सैनिक समाज सभा ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर अखनूर खोड प्लावला मार्ग को बंद करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि हमारी वन रैंक वन पेंशन को सही किया जाए और उसमें बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम भेदभाव कभी भी सहन नहीं करेंगे और अगर सरकार हमारी डिमांड को पूरा नहीं करती है तो हम इसी तरह सरकार के खिलाफ सड़कों पर अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। आज का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है हमारी पूर्व सैनिक समाज सभा की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखा गया है, क्योंकि आपको पता है आज पूरे हिंदुस्तान में पूर्व सैनिकों की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखा गया है, जो इनकी मांगे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पे पिछले 2 महीने से जो हमारे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं सब उनके पक्ष में जाकर ये सारे लोग पूर्व सैनिक खड़े हुए हैं। पूर्व सैनिक अलग नहीं है, हम सब पूर्व सैनिक एक हैं और अपना हक जो हम लेकर रहेंगे। अभी ये भेदभाव वाली जो स्थिति है वो नहीं चलेगी, क्योंकि पूर्व सैनिक अभी जा चुका है। पूर्व सैनिकों की जो भी मांगे हैं, क्योंकि ORP के बीच में जो पूर्व सैनिकों के साथ और खासकर JCOR के साथ जो इन्होंने गलत किया है, हम उसी मांग को लेकर सरकार के सामने उठाना चाहते हैं। और जो भी सरकार के सामने उठा के हम सरकार के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि इन चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई किया जाए और वेरीफाई करने के बाद फिर ही ये चीज़ लागू की जाए। ऐसे नहीं कि ORP के तहत ये लोग जल्दबाजी में लागू करके। अगर सरकार आपकी डिमांड्स पूरी नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? लगातार अगर जो हमारी सरकार जो इस पर नहीं ध्यान देती है तो पूर्व सैनिकों की तरफ से ये पोस्टर्स आगे भी जारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सुबेर मेजर हॉनर कैप्टन CD शर्मा, सैनिक समाज सभा खाओ। हमारी मांग ये है कि हमारे साथ जो ORP 2 में ये भेदभाव जो किया गया है, ये ऑल ओवर इंडिया जितने हमारे सर्विसमैन हैं उनमें से बहुत सारे हमारे साथी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। भेदभाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि अफसर को जो ORP 2 का बेनिफिट दिया गया है वो 2.81 के हिसाब से दिया गया है, जिस ओआर को जो बेनिफिट दिया गया है वो 2.57 के हिसाब से दिया गया है। अफसर की स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी में 3% है, हमारे JCOR की स्ट्रेंथ 97% है और गवर्नमेंट ने और अफसर ने मिलके JCOR के साथ धोखा किया है और उनको मतलब के मामूली 2.57 पे वंचित कर दिया है। और मैक्सिमम बेनिफिट गवर्नमेंट ने सोचा कि 3% को देके अगर हमारा काम चल सकता है तो 97% को इग्नोर कर दो। आज JCOR की आंखें खुली है और उन्होंने जंतर मंतर पे 2 महीने से धरना लगाया हुआ है और उन्होंने आज ऑल ओवर इंडिया पे इंडिया के 752 जिलों में प्रदर्शन किया हुआ है। आज गवर्नमेंट की आंखें खुलेंगी जब पूरे इंडिया से विभाग जो उनको मतलब के प्रोटेस्ट का जो उनको मिलेगा मैसेज, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी इसके ऊपर एक्शन करे और जितने JCOR और मतलब के हॉनरी रैंक हैं उनकी पेंशन कम हुई है और अफसर की मेजर से लेके जनरल तक 7,000 से लेके 15,000 तक बेनिफिट दिया है और इनको लॉलीपॉप दे के स्पाइस से लेके हवलदार तक उन्होंने खर्च कर दिया है। नायसुगेर से हॉनरी कैप्टन तक पेंशन कम किया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा योगदान JCOR का होता है। अगर संतरी कोई बॉर्डर पे बैठता है तो सिपाही बैठता है पहली गोली वो खाता है और उसको इस बेनिफिट से वंचित किया जा रहा है। वो ऑफिसर जो पीछे बंकर में बैठे होते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ यही अफसर जो है वो अपना मतलब के पॉलिसी बढ़ाते हैं और अपना मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं। आज जवान और JCOR की सारी आंखें खुल चुकी हैं और 2 महीने से लगातार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा और सभी स्टेट से समर्थन मिलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो आ जाइए सुपर्ब 30 जम्मू में, क्योंकि अब सुपर्ब 30 जम्मू में खुल चुकी है एडमिशंस। यहां आपको मिलेगी नीट JEE एग्जाम की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। सुपर्ब 30 जम्मू में आप दाखिला लेने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स को दी जाएगी 90% स्कॉलरशिप, बेहतरीन फैकल्टी से ले 15 दिन का फ्री जम्मू क्लासेस। तो आज ही अपनी सीट करें बुक। जम्मू में कच्ची छावनी, बटिंडी मोड़ और गांधीनगर में अप्सरा सिनेमा के पास हैं हमारे सेंटर्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7670068686, 6006936074 पर।